जय हिंद फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो तीन एग्जाम को देख करके बनाया जा रहा है, जिसे बीपीएससी हेड टीचर दक्षता परीक्षा और सीटीईटी एग्जाम को लेकर के जो पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न को आज लेकर के आए। साथियों, आपको पता है, खास करके अगर बात करें दक्षता परीक्षा की, तो जो 23 अप्रैल को होना है, इस 23 अप्रैल के लिए आज से महामैराथन बैच, महासंग्राम कहिए, आज से शुरुआत हो रहा है। शाम 5 बजे से 7:30 बजे आपके लिए लाइव कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डेली लाइव कक्षा होगा, डेली 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा। सुबह में मटेरियल पीडीएफ के रूप में भेजा जा रहा है, भेजा जा चुका है आज का, और आज से शुरुआत हो रही है आपके लिए एकदम 100 प्रश्नों का डेली टेस्ट। आप कहीं भी कुछ भी क्लास कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहां का टेस्ट दीजिए और टेस्ट दे करके आप 80 से 90% मार्क्स को अपने झोली में सुरक्षित रख लीजिए। निश्चित रूप से यदि सफलता चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, यहां पर जो दो नंबर दिए गए हैं, यहां पर व्हाट्सएप करिए, नंबर को सेव करिए, व्हाट्सएप करिए और तुरंत जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस तरह से आप ये टेस्ट सीरीज में, दक्षता परीक्षा के टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। साथियों, हेड टीचर का लाइव क्लास चल रहा है, आपके लिए सीटीईटी का क्लास जो है 15 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो 15 अप्रैल से सीटीईटी के क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ज्वाइन करने वाले होंगे। अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, खास करके उन शिक्षकों के पास जो हेड टीचर और दक्षता परीक्षा में अपने आप को सुरक्षित, यानी अपना सीट सुरक्षित करना चाहते हो। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक की बात किया जा रहा है और ये पेडागोजी से प्रश्न है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, जब आप गणित पढ़ते हैं तो अवधारणा उसकी जब तक स्पष्ट नहीं होती है, तब तक आप प्रश्नों को सही ढंग से हल करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं की क्रमबद्धता तो गणित में जरूरी है। आप पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं। क्रमबद्धता, पहले आपको गुणा सिखाया जाए, पहले आपको भाग सिखाया जाए, तो बिल्कुल वो सही नहीं होगा और आप जो है उसको सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये तो आपका एनसीएफ भी कहता है, आपका आरटीई एक्ट भी कहता है, सब कहता है कि जो भी शिक्षा का मतलब प्रचार प्रसार हो या शिक्षा जो भी जिस रूप में दिया जाए उसमें व्यवहारिक जीवन को निश्चित रूप से शामिल किया जाए। तो आपको उपयुक्त सभी आपके आंसर होंगे। आपके सामने जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। आप अपने तैयारी को भी आकलन करें कि कितना बेहतर तैयारी आपका हो रहा है। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। जन्म से पूर्व भाषा अर्जन कहां से होगा, या भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, तो ये जन्म से पूर्व तो होगा ही नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो बचपन, मतलब जिसको आप कहते हैं आप 2 से लेकर के, आप ले सकते हैं 2 नहीं, इसको आप 1 वर्ष से ही लीजिए, 1 वर्ष से लेकर के आप 4 वर्ष तक ले सकते हैं। मध्य बाल्यावस्था बीच में, फिर 4 वर्ष से 7 वर्ष आ जाता है, फिर उत्तर बाल्यावस्था आ जाएगा, 7 से 11 वर्ष में चला जाएगा, इस तरह से जाता है बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होता है। तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है जिसमें बच्चे 2, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के होते हैं, उस अवस्था में आप गौर करते होंगे वो बहुत अनुकरण करते हैं। आप बोलते हैं बेटा बोलो चाचा, तो वो एक बार चाचा नहीं बोलता लेकिन चा जरूर बोलता है और धीरे धीरे वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो भाषा अर्जन और विकास के लिए सबसे ज्यादा अहम जो उम्र है ये प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था, जो कि 4 वर्ष तक लगभग मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। एकदम VVI इसी तरह के प्रश्न छपेंगे आपको एग्जाम में, देख लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं। प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक जो है प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, ये क्या है, ये सही है। बिल्कुल इसको सही नहीं मानते हैं, बिल्कुल 50-50 आप कहिए, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये जेंडर पक्षपात हो गया, लड़कों को कहते हैं फलाने काम में तुम बेहतर हो, लड़कियां नहीं। आज देखिए देश दुनिया में,
आज देखिए ठीक से तो लड़कियां कहां पर कम है, कहीं जगह पर नहीं। आप महामहिम राष्ट्रपति जी को देखिए, एक लड़कियां मतलब लड़की ही थी ना पहले, तो लड़की ही होंगी ना, आज राष्ट्रपति के पद पर है। आप बड़े बड़े पदों पर देखिए, आप देखिए क्रिकेट में देखिए, हर एक जगह एकदम तहलका मचाई हुई है, तो कहीं पर कम नहीं है। जेंडर पक्षपात हो गया कि किसी विशेष पर ध्यान देना और किसी विशेष पर ध्यान नहीं देना। आ जाइए अगला प्रश्न हमारा, मैं दो अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। देखिए सवाल यहीं से स्पष्ट हो गया कि अंकों का योग, लास्ट पॉइंट अगर पकड़िएगा, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज मतलब 3 चौके 12, एक तरह से कहिए तो 12 का गुणज होना चाहिए जो अंकों का योग होगा। योग देखिए यहाँ पे योग जोड़ के देखिए तो 5 और 7 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 5 3 5 8 1 3 4, देखिए इसमें अगर लगता है क्या, न तीन से न चार से इसमें लगेगा नहीं, इसमें 4 से लगेगा लेकिन 3 से तो लगेगा ही नहीं, इसमें 4 से तो लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। और इसमें देखिए अगर 12 में 3 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा, तो अंकों का योग 3 और 4 का एक गुणज है, यानी यही आपका 57 आपका सही आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या, ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए साथियों आपको सबसे ज्यादा अगर साधन कहें, बेहतर साधन, तो आप फील्ड खुले वातावरण में घूमते हैं या बच्चों को खुले वातावरण में ले जा करके चीजों से रूबरू कराते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावी होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या कहता है, परिवार के सदस्य, बिल्कुल सदस्य जो होते हैं वो हर एक चीजों को बताते हैं कि ये है और ये है, पौधा का क्या काम है, उससे क्या होता है नहीं होता, हर एक चीज जरूर बताते हैं। समुदाय के सदस्य, समुदाय से भी जानकारी मिलता है। समाचार पत्र, उसके बाद है कक्षा, तो देखिए कक्षा के अंदर पर्यावरण का जो है बेहतर आप जो है समझ विकसित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो है खुले वातावरण की बात है और ये ए बी और सी जो है एकदम 100% सही होगा, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली की बात हो रही है, इसलिए आपको यही लेंगे। कक्षा में बेहतर यानी बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से आप पर्यावरण की चीजों को नहीं बता पाएंगे। आ जाइए अब कहिएगा, देखिए डिजिटल बोर्ड पर अगर बताने की बात हो, ये सुविधाएं अगर उपलब्ध हो, तो कक्षा भी एक बेहतर साधन हो सकता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। देखिए कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग के द्वारा जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया, उसमें 3 तरह से उन्होंने बात नैतिक विकास के 3 चरण को उन्होंने चर्चा किया, जिसमें पहला किया था जो है पूर्व रूढ़िगत अवस्था, ठीक है, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रूढ़िगत अवस्था, उसके बाद जो है उत्तर रूढ़िगत अवस्था, ये अवस्था स्तर भी कह सकते हैं इसको, ये स्तर, इसमें स्तर भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, ये 3 जो दिए गए थे, ये 3 नियम ये दिए गए थे इनके कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग एक और सिद्धांत दिए थे, कौन सा, तो अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए थे, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। अब सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जो है ये देखिए उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, सामाजिक अनुबंध का मतलब आप लोग समझते हैं, समाज में जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो वो लेन देन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, हम लोग भी अपनाते हैं, लेन देन मतलब कुछ देना है कुछ लेना है, यानी सामाजिक समझौता होता है वहां पर, समाज के नियमों का पालन होता है वहां पर, समाज के हितों की रक्षा की बात होती है वहां पर, तब जाकर के समाज में क्या होता है, एक बंधन बना रहता है, ठीक है। और समाज के नियम के खिलाफ यदि जाते हैं तो समाज उस बंधन को तोड़ देता है और फिर आपके ऊपर जो है क्या होता है, आपको खुला छोड़ देता है, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं होता है। यह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी लॉरेंस के द्वारा ही दिया गया था। आ जाइए आगे देख लेते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं नियोजना क्या करना चाहिए। देखिए समावेशी का मतलब क्या होता है साथियों, समावेशी का मतलब होता है सामान्य बच्चों के साथ आप दिव्यांग बच्चों को अर्थात चाहे दृष्टिबाधित बच्चे हो, चाहे
पैर से विकलांग हो, चाहे आंख से हो, चाहे कान से हो, चाहे जैसे भी विकलांग हो। तो दिव्यांग बच्चों को साथ साथ सामान्य बच्चों के साथ जब शिक्षा दिया जाता है तो उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। यहाँ पर समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना तैयार करना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है भाई, तैयार तो करना ही चाहिए। नहीं, तैयार तो करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये कभी कभी नहीं, हमेशा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं साथियों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं, 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू है। उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से तो प्रश्न आने ही आने हैं, नहीं का कोई चांस ही नहीं बनता है। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत है, असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति है। देखिए, सहानुभूति की कहीं पर बात नहीं की गई है, ठीक है, सहानुभूति नहीं किया गया, आप अवसर दीजिए उसको, अधिक से अधिक अवसर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पहले से पिछड़ा हुआ, भगवान ने उसको जन्म दिया, कहीं ना कहीं वहां से ही वो पिछड़ा हुआ है। व्यवहारवादी का सिद्धांत भी यहाँ पर जो है फॉलो नहीं करता है, कहता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये देखिए शब्दों को देखिए, अधिकार भी होना चाहिए और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी होने चाहिए, किसी के अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए और मानवतावादी भी होना चाहिए। नियम ही कहता है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों में ये होना चाहिए, सबसे पहला उसका नैतिक विकास होना चाहिए, मानवतावादी विकास होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ, जो हमारे मतलब जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो आरटी एक्ट है, जो एनसीएफ है, ये सब कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए, क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर? बिल्कुल नहीं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही तो है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है कि बच्चे जो विद्यालय आते हैं तो बहुत कुछ सीख करके आते हैं, खाली हाथ तो आते नहीं है, बहुत जानकारी उनके पास पूर्व से होती है और उसी अनुभव को जोड़ करके हमको आगे बढ़ाना है। तो ये आपको अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका छात्र केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उदाहरण है। विद्यार्थियों को स्पष्ट, देखिए विद्यार्थियों को, अगला प्रश्न ये कहता है आपको, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का जो है क्या परिणाम है? साथियों, दक्षता परीक्षा वाले जितने भी शिक्षक हैं, निश्चित रूप से आप लोग जो नंबर ऊपर में दिया गया है या यहाँ लाइन नीचे में चल रहा है, या ये देख लीजिए नंबर हम नोट भी कर देते हैं, एकदम जो लगातार 30 दिनों की कक्षा है, आप 30 दिनों की कक्षा को एकदम लाइव क्लास है, इसको ज्वाइन करिए, इसमें टेस्ट है, टेस्ट को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप करिए और जानकारी प्राप्त कीजिए, एकदम 100% सफल होंगे, 100%। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? देखिए, स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, सवाल यहाँ ये है। ऑप्शन देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बस यहीं पर तो बंद कर दीजिए, आगे जाने की आवश्यकता कहाँ है, इनमें से एक से अधिक है भी नहीं, तो यहीं पर आपको लॉक कर देना होगा। अब ये क्यों, देखिए अवधारणा जैसे होता है, जैसे गणित हम लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये क्या है, तो कर्म विनिमय नियम का उदाहरण है, योग का कर्म विनिमय नियम इसको कहते हैं। अब इस अवधारणा को बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए हम कई उदाहरण देते हैं, 2 + 3 = 3 + 2, बताते हैं बच्चों, बाबू 3 + 2 = 3, देखिए यहाँ भी 5 ही होता है, 3 + 2 जोड़िएगा तो भी 5 बराबर ही होता है, लेकिन ये जो कर्म इसका पलट जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कर्म विनिमय, अगर जोर है तो जोर, गुना है तो गुना का कर्म विनिमय, इस तरह से कहते हैं। तो ये जो अवधारणा है विकसित जब तक बच्चों के अंदर नहीं होगा, अवधारणा उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण दे करके भी प्रोत्साहित करके भी अवधारणा को विकसित करना, अवधारणा को स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगला देखिए, जैसे विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां, बिल्कुल भ्रांति की बात ही नहीं होती है, अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी बात नहीं है, अवधारणाओं की समझ में अवधारणा ये भी नहीं होता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधि क्रियात्मक ये प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल नहीं, आपका ए सही जवाब है, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। आ जाइए अगला जो है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में
भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रोत्साहित आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दंड देने की बात जहां तक होती है वो कभी सोचना भी गुनाह है। दंड तो देना ही नहीं बच्चों को। अब यहाँ बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ देखिए, ये आपका सबसे सही आंसर होगा। जिस बच्चों को आप दंडित करेंगे, जिसको प्राइज देंगे वो तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, प्रयास करेगा कि और ज्यादा हम अचीव करें। और जिसको आप एक के सामने 90 गो को आप जब प्रताड़ित करेंगे तो उसके अंदर जिज्ञासा घटेगी धीरे धीरे, और जिज्ञासा जब घटेगी तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके विद्यालय से भी वो फ्रेंच लेगा, गायब होगा और क्लास को भी सही ढंग से नहीं करेगा, घर पर भी अध्ययन नहीं करेगा। तो जिज्ञासा बनी रहे इसके लिए हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ठीक है। और दंड का तो बात ही नहीं है, दंड तो देना ही नहीं है, दंडित जब ही करेंगे तो फिर तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा बच्चों में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने का काम किसका है? क्या शारीरिक दंड का है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण का है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का है, निरंतर तुलनात्मक जो है मूल्यांकन का है? किसके साथ जाना चाहेंगे? हमें तो लगता है दंड की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, तुलना भी नहीं करना चाहिए। तो दो, सहयोगात्मक अधिगम का पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अर्थात 2 और 3 जो है आपका बिल्कुल सही और सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने का प्रक्रिया होगा। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निश्चित ही देखेंगे आप लोग। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा जो बच्चों के मन में बनी हुई है उसकी समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? क्या व्याख्यान दे करके करेंगे, या प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके? अगर चारों ऑप्शन को आप ठीक से देखें तो निश्चित ही आपको लगेगा कि अन्वेषण करना, परिचर्चा करना, ये जो इसके लिए जब बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएंगे तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा यानी खोज करने के लिए बच्चों को अवसर देंगे, उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए अवसर देंगे, तो ये सबसे ज्यादा हमें लगता है उपयुक्त हो सकता है। आ जाइए आगे देखेंगे, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास किसमें तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। देखिए, शारीरिक वृद्धि की जब बात हो और विकास की बात हो तो एक अलग अलग स्तर है। देखिए, शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा होता है आपको किसमें? शैशवावस्था में। किसमें होता है शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा? शैशवावस्था में। और जो विकास की गति होती है वो तीव्र होता है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में। एकदम बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कियां पहले बड़ी हो जाती है लड़कियों की तुलना में, फिर बाद में धीरे धीरे लड़कियां कम हो जाती है और लड़के ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। ये आपको शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया। देखिए, विकास का सिद्धांत कौन नहीं है ये पूछा गया है। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, ये सही है अथवा गलत है ये बताना है। देखिए, ठीक है, क्या विकास जो है कहा था विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, विकास जीवन पर्यंत होते रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। विकास की क्रियाएं हमेशा होती रहती है। विकास परिवर्तित होता है, ये भी सही बात है, विकास परिवर्तनशील होता है। विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। आप देख रहे हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण, जैसा जगह मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, उस तरह का विकास होता है। अच्छे परिवेश मिलेंगे तो बोली जो है मतलब बातचीत का तौर तरीका अच्छा होता है, अच्छे परिवेश नहीं मिलते हैं तो वहां पर थोड़ी सी
कठिनाइयां होती है। ये आपका एक दो और तीन, तीनों के तीनों है, नहीं पूछ रहा है तो ये होगा, प्रभावित नहीं करता, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए वैयक्तिक विभिन्नता, सवाल ये है वैयक्तिक विभिन्नताओं को जो है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति और कोड, कथा जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव और अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है हर आदमी में कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ जो है अलग अलग जो है बातें होती है, तो जो उसका मूल कारण क्या है, तो मूल कारण तो अनुवांशिकता है ही, अनुवांशिकता है ही। जिसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ होते हैं बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। माता पिता अगर मान लीजिए कि हमेशा मेहनत करते हैं या मानसिक रूप से पूरी तरीके से बहुत ही तेज होते हैं तो उनके बच्चे भी अक्सर देखा जाता है कि तेज होता ही होता है। और पर्यावरण की के बीच की बात करेंगे तो पर्यावरण तो आप समझ ही रहे हैं, आपको यहाँ से उठा के जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए, अभी यहाँ से हमें लंदन भेज दिया जाए, हमें वहाँ पर अगर साल भर डेढ़ साल दो साल पाँच साल छोड़ दिया जाए तो वहाँ के कल्चर को हम अपनाएंगे, वहाँ की भाषा को अपनाएंगे, वहाँ के बातचीत करने के तौर तरीका को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी है, द्वितीय समाजीकरण, समाजीकरण में तो पहला तो आपको परिवार और आस पड़ोस होता है, इसमें तो नो डाउट की बात है, नहीं पहला होता है, दूसरा परिवार मीडिया, परिवार मीडिया बाद में, परिवार और आस पड़ोस ये आपका जो है ये क्या है, ये द्वितीय समाजीकरण कहता है। परिवार प्राथमिक होता है, ठीक है, परिवार प्राथमिक होता है, परिवार तो इसमें होगा ही नहीं होगा, ठीक है, परिवार को छोड़ के बात कीजिए, परिवार प्राथमिक होता है। द्वितीय में विद्यालय, प्राथमिक के बाद विद्यालय पर जाइए, और विद्यालय के साथ साथ आप जो है मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, बच्चे तो खैर उसको कहिएगा तो नहीं यूज करते हैं लेकिन टीवी वगैरह देख करके, यानी ठीक है, ये आपको द्वितीय में विद्यालय आएंगे ही आएंगे, ठीक है, विद्यालय आपको आएंगे और विद्यालय आएंगे तो मीडिया इसके साथ आएगा, ये आपको सी सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कर, देखिए याद करने वाली बात जहां भी हो आप उसको छांट करके चलिए, रटने वाले बात नहीं है, समझने वाली बात है। वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं, नकल भी करना नहीं है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यही तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, गतिविधियों में भाग लगना और सक्रिय रहना ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है, आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला देख लेते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, नहीं बिल्कुल देना चाहिए जी, पूछने से रोकना चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यही तो आपका ऑप्शन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाक से देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए आप सक्सेस की 92 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ऐप दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ये लिंक भी आपको दिया हुआ है। पीडीएफ मटेरियल यदि चाहिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस की 92 का टेलीग्राम भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके किसी भी प्रकार के एग्जाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था, जीन पियाजे के सिद्धांत, देखिए चार उन्होंने बातें कही थी जिसमें विकास के चार सिद्धांत उन्होंने दिए थे, जिसमें संवेदी गामक पहला सिद्धांत होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक होता है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक होता है और चौथा औपचारिक हो जाता है। तो जिसमें आपको जो आपको सबसे पहला जो होता है वो संवेदी गामक होता है, और संवेदी गामक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष माना जाता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7, और मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो 7 से 11, और औपचारिक जो होता है वो 11 से बाद का होता है, ठीक है। यहाँ कहता है जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत क्या था, ये पूछा जा रहा है। ये जो है उन्होंने ये कहा था बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बिल्कुल ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, ये भी नहीं, उन्होंने कहा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एकदम अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर करिए, और सभी शिक्षकों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, खुद जुड़िए और लोगों को जुड़िए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अधिक से अधिक शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।